साथी कर्मचारी और उसकी महिला मित्र ने एठे 5.5 लाख रुपए बोले 13 महीने से तनाव झेला। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते इस वक्त की खास खबर की ओर। रेलवे के चीफ कंट्रोलर संजय कटारे को ब्लैकमेल करने और उसके साथ ही चीफ कंट्रोलर नृपेंद्र सिंह गंगवार और उसकी महिला मित्र काजल तोमर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसकी भनक लगते ही नृपेंद्र फरार हो गया। गुरुवार देर रात पुलिस के घर और अन्य संभावित ठिकानों पर पहुंची। आरोपित महिला के संबंध में भी फिलहाल पुलिस को कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। पीड़ित संजय कटारे ने बताया, 13 महीने बाद राहत की सांस ली। पूरा परिवार तनाव में था। पत्नी के समझाने पर मैंने शिकायत करने की राजी हुई। पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज किया। संजय कटारे रेलवे में चीफ कंट्रोलर है, भोपाल कंट्रोल रूम में पदस्थ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 30 दिसंबर 2021 को उनके साथी चीफ कंट्रोलर नृपेंद्र सिंह ने उन्हें अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाया था। जब वह पार्टी में पहुंचे तो नृपेंद्र सिंह ने उनकी पहचान काजल परमान नाम की युवती से कराई। काजल एक NGO में काम करती थी। इसके कुछ समय बाद नृपेंद्र और काजल ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दोनों ने धमकाया कि रेप के झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे, नौकरी चली जाएगी और समाज में बदनामी भी होगी। डरा धमका कर उसे 5.5 लाख रुपए वसूल लिए। संजय कटारे ने बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा साथी, मेरी दोस्त, मेरी इतनी बड़ी साजिश कर सकता है। चंद पैसों की लालच में उसने मुझे मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना डिप्रेशन में आ चुका था कि कई बार आत्महत्या करने जैसे ख्याल दिल में आने लगे। मैं निर्दोष था, बदनामी से डरता था। आरोपी परिवार वाले भी मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाकर रिश्तों से दरार डलवाने की धमकी देते थे। मैंने एक दिन हिम्मत की और पूरी बात पत्नी को बताई। कुछ समय बाद दोनों बेटों को भी इस मामले में जानकारी दी। पत्नी ने कहा कि आरोपियों की मांग कब पूरी करोगे, जब कुछ किया नहीं तो निर्दोष हो तो आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करो। थाने जाकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके बाद पहली बार शिकायती आवेदन लेकर पत्नी के साथ ही गोविंदपुरा थाने में गया। संजय ने बताया कि मैंने पुलिस को नृपेंद्र के खाते में रकम को ट्रांसफर करने के परिणाम दिए। उनकी व्हाट्सएप चैट और धमकी भरे मैसेज की स्क्रीनशॉट भी पुलिस को दिए गए। दोनों आरोपियों को कई कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी गई, तब जाकर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि आरोपी नृपेंद्र सिंह और काजल पर धारा 389-120B के तहत केस दर्ज किया है। दोनों आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। उनके संभावित ठिकानों पर दबिश की है, दोनों वह नहीं मिले। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।